नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरजोत है और आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। जी हाँ दोस्तों, हम लेके आए नई वीडियो जिसमें हम करेंगे Redmi Note 7 Pro का परफॉर्मेंस टेस्ट। हम देखेंगे कि ऐप ओपनिंग में कितना टाइम लगता है, बैटरी परसेंटेज कितनी डाउन होती है, टेम्परेचर कितना राइज होता है। हम खेलेंगे कुछ गेम्स, मल्टीटास्किंग भी करेंगे और तो और कई एप्स ओपन करेंगे, कुछ गेम्स डाउनलोड भी करेंगे। तो देखते हैं एवरीडे यूजेज के हिसाब से ये फोन अच्छा चलता है या नहीं। और तो और ये एक हार्डकोर टेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि हम इसमें हाफ एन आवर का कुछ गेमिंग रिव्यू नहीं करेंगे, बट हाँ डेफिनेटली हम कुछ गेम्स कुछ टाइम के लिए जरूर खेलेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछेगा और तो और आपके सुझाव भी दीजिएगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैटरी कितनी है। तो आप देख सकते हैं बैटरी 53% है, मेमोरी में कोई ऐप नहीं है। हम एक बारी बैटरी टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 28 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा टेस्ट रहेगा उसमें हम गेम्स खेलेंगे, ऐप्स डाउनलोड करेंगे, शॉपिंग ऐप्स पे हम जाएंगे, वहाँ सर्फिंग करेंगे, यूट्यूब वीडियो प्ले करेंगे और देखते हैं कितना टेम्परेचर राइज करता है, कितनी बैटरी डाउन जाती है और तो और रैम मैनेजमेंट कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल रेसिंग 3 के साथ। एज सच कोई फ्रेम ड्रॉप होता नहीं दिख रहा। आइए चलिए कुछ एप्स डाउनलोड करते हैं। कुछ शॉपिंग ऐप्स को देखते हैं और अगर अभी टेम्परेचर पे एक नजर डालें तो लगभग है 32.7 डिग्रीज और बैटरी है हमारी अभी भी तो 2% बैटरी कम हुई है। ओके, वापस चलेंगे। कोई जर्क कोई लैग नहीं। तो दोस्तों इसके साथ हम मंत्रा ऐप को लॉन्च करेंगे और देखेंगे कि डाउनलोडिंग कितनी प्रोग्रेस पे है। हम इसी तरीके से कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस में मैनूवर करते रहेंगे ताकि देख सके फोन कैसे हैंडल करता है इस चीज को। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा ऐप बहुत आसानी से लोड हो गई और तो और जैसे हम विद इन द ऐप मूव कर रहे हैं कोई इशू नहीं आ रहा। चलिए बाहर चलते हैं और चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ, देखते हैं कि स्काईफोर्स कितना डाउनलोड हुआ और कुछ और एप्लीकेशंस भी डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों चलिए फ्लिपकार्ट लोड करते हैं। खैर दिल तो नहीं, पर हाँ ये आज की डेट में सभी की दुखती रग है। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 7 Pro का 6GB वाला वर्जन ना जाने कब लॉन्च होगा, देखते हैं कि ओवरऑल मैन्यूवरेबिलिटी कैसी रहती है। जी हाँ दोस्तों, कोई लैग नहीं, बहुत ही स्मूथ। अब हम लोड करेंगे YouTube। हम कुछ वीडियोस नहीं देखेंगे, बट हाँ जस्ट लोड करके अभी इसे रख देंगे। और हाँ दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्काई फोर्स खेलते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन गेम है और एक शूटिंग गेम है, बहुत ही लोकप्रिय है ये भी। तो चलिए दोस्तों कुछ यूट्यूबिंग भी की जाए। आज की डेट में बहुत बढ़िया फोरम है एक विजिबिलिटी पाने का और कुछ इनकम का। खैर ये बहुत पुरानी ऐड है और शायद मुझे लगता है सलमान खान की पहली ऐड हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं स्काई फोर्स और फ्लिपकार्ट सब मेमोरी में है। और तो और देखते हैं, जी हाँ दोस्तों रियल रेसिंग 3 भी बहुत बढ़िया। रैम मैनेजमेंट भी चेक हो जा रही है दोस्तों और सो फार गुड, बट हमारा जो डिटेल रैम मैनेजमेंट का टेस्ट था उसमें ना जाने क्यों फ़ोन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। आप कार्ड चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड टेस्ट। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्काई फोर्स और रियल रेसिंग 3 खेलते हुए हम इसे फिनिश करते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि बैटरी 49% पे है और टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत बढ़िया है, और फ़ोन बिल्कुल भी हीट अप महसूस नहीं हो रहा।
तो दोस्तों कैसा लगा Redmi Note 7 Pro का परफॉर्मेंस टेस्ट? जी हाँ दोस्तों, आपको एक आइडिया जरूर लगा होगा कि एवरीडे लाइफ यूजेज में ये परफॉर्म कैसा करेगा। जी हाँ दोस्तों, फोन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू आने वाला है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात करें, गेम्स स्मूथली चली, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं था, टेम्परेचर चेक में था, मैक्सिमम इट वेंट अप टू 35, हमने जब स्टार्ट किया था तो 28 डिग्री पे था, ओवरऑल यूजेज के बाद इसे हमने 35 डिग्री पे पाया, विच इज ओके। और तो और बैटरी सिर्फ 4% डिक्लाइन हुई, हमने 53% से शुरू किया और जब हमने सारा टेस्ट खत्म किया 49% पे बैटरी थी, जो कि अगेन बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं क्योंकि रैम मैनेजमेंट अभी ठीक ठाक सी थी, लेकिन अगर आप हमारी अलग से वीडियो देखेंगे तो उसमें रैम मैनेजमेंट बिलो एवरेज थी। और तो और एक अपडेट आया है जिसके तहत हम देखेंगे कि ओवरऑल रैम मैनेजमेंट और तो और जो कैमरा इशू है, अगेन उसका कार्ड दिया हुआ है, वो फिक्स होते हैं या नहीं होते हैं, जैसे कि वीडियो में जर्क्स देखना और तो और फोकस हंटिंग जो कि हमने कैमरा इशू में पाया था। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम इस चीज को अलग रखते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपकी डेली यूजेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन हमने इसे हार्ड कोर गेमिंग के बेसिस पे नहीं रिव्यू किया, फॉर एग्जांपल पबजी को फुल सेटिंग में, क्योंकि ये 845 नहीं है, ये 675 बेस्ड फोन है, एज इन 675 प्रोसेसर बेस्ड फोन है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इट रियली मोटिवेट्स अस, अपने सुझाव दीजिएगा, कोई क्वेरी हो कोई कमेंट हो तो जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स, हम जल्दी इसके डिटेल कैमरा रिव्यू के साथ आएंगे, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी बट आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कैमरा किस काबिल है। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, जय हिंद नमस्कार।